स्वामी जी, अगला सवाल शबनम खान का है। वो अपने पिताजी के लिए जानना चाहते हैं। उनके पिताजी की उम्र 80 साल है और स्वामी जी, जो उनके पिताजी हैं वो 1965 की जंग में एक भारतीय फौजी के तौर पर लड़े थे, अब्दुल हमीद के साथ वो जंग में शामिल हुए थे। वो आज 80 साल के हैं और 17 सालों से COPD की उनको समस्या है। 28% ही उनके लंग्स काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं। शबनम के पिता को आप को मैं नंबर दे दूंगा, उनको हमारे पास योगाग्राम में भेज देना। जो देश के लिए लड़ते हैं उनकी हम कुछ सेवा कर पाएँ तो ये हमारा सौभाग्य है। और ये खास बात यह है कि हुसैन भाई, इसमें हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं। योग है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, प्रकृति और हमारी ये संस्कृति तो सबके लिए एक ही जैसी है। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, एक तो प्राणायाम करें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जायी और श्वासारी गोल्ड अभी शुरू कर दें आज से। श्वासारी गोल्ड दो दो कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम, एक सप्ताह तो दो दो लें, बाद में एक एक कर दें। श्वासारी और पंचकोल का काढ़ा भी पिए और जो हम दिव्य पे उबाल करके पीने के लिए बोलते हैं दिव्य पे ही पिए। और थोड़े दिनों के लिए उनको ये जो है द्राक्ष, खजूर और चने का कल बस वही खिलाएं, द्राक्ष, खजूर और चना बस यही खिलाना है इनको। एक सप्ताह से में तो बहुत अच्छी रिकवरी हो जाएगी, एक महीने में 100% इनके लंग अच्छे हो जाएंगे। और बाकी सारी थेरापियाँ जो हम बताते हैं, लंग बस्ती बताते हैं, लंग पर लेप बताते हैं, लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक दिव्य धारा के साथ वो सब लेप भी लगाएं और ठंडे गर्म पानी से सेक करें, ठंडे और गर्म पानी की लपेट, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, ये सारी चीज़ें और लंग का एक पॉइंट भी दबाएँ तो शबनम के पिता जरूर अच्छे हो जाएंगे और 100% लंग हो जाता है। 70-80% भी जिनका फेफड़ा, हार्ट, लीवर, किडनी डैमेज हुआ उनको ठीक किया हमने। ठीक है, अगला प्रश्न ले।